ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। योग और मन चाहे पति की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और आज के दिन कहा जाता है कि शहद का भोग लगाने पर मां प्रसन्न होती हैं और जो मनोकामनाएं हैं, मनवांछित फल है, वो उसकी प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ मां के दरबार में लगी हुई है। तो मां दुर्गा का छठा रूप है, मां कात्यायनी का स्वरूप और मां दुर्गा के छठे रूप की आज पूरे भारत में पूजा हो रही है। पूरे हिंदू जहां जहां भी हैं, पूरे विश्व में हर जगह पूजी जा रही है, मां छठे रूप की पूजा हो रही है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सुबह से आ रही है जहां पर मां के मंदिरों में, मां के दरबार में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। चूंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में लोग आज काम से भी फुर्सत में हैं और आज मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे, मां की पूजा आराधना करने में लीन है। तो इस वक्त हमारे साथ अविनाश, रौनक और अरुण इस वक्त जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपके यहाँ की तस्वीर आप दिखाइए। माँ के छठे स्वरूप की पूजा हो रही है, भक्तों में आज जो भक्ति भाव है, श्रद्धा है, वो उमड़ रही है। जी संजय, मैं शहर के सबसे प्राचीन मंदिर जो अम्बा माता का मंदिर है वहाँ पे खड़ा हूँ। जो यहाँ का सिटी पैलेस है, राज परिवार है, वो इस मंदिर की व्यवस्थाएं देखता है और आप देख सकते हैं कि रविवार का दिन है, नवरात्रि का पावन पर्व है, तो भक्तों की संख्या जो है यहाँ पे अमूमन रविवार को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन क्योंकि आज नवरात्रि का पर्व भी है तो ऐसे में भक्त यहाँ पे पहुँचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। कतारबद्ध यहाँ पे खड़े हैं, पुष्प लेके, चुनरी लेके, माता को बैठ करके माता को अपने आशीर्वाद मांगने के लिए कि उनकी मनोकामना जो है वो मनवांछित फल जो माँ से चाहते हैं तो वो उनको मिले। तो तमाम, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा, कोई भी हो, सभी लोग माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कतारबद्ध खड़े होके यहाँ दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भैया, आप आए हैं, क्या मांगेंगे माता से? अम्बा माता का दर्शन करना, मैं चित्तौड़ से आया हूँ और ये तीसरी देवी है, तो मैं चाहता हूँ कि 9 दिन में सारी देवियों के दर्शन हो जाएं। सबकी इच्छा होती है कि 9 दिन में सारी देवियों का दर्शन हो। आप आए हैं, चुनरी भेंट करेंगे, क्या आशीर्वाद मांगेंगे सर? सबकी मनोकामना पूरी करें, ऐसा ही कुछ मांग है। तमाम जो यहाँ पे आए हैं उनको नवरात्रि को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है और यही चाहते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं जो है वो माँ पूरी करे और 9 दिन तक ही। बिल्कुल अविनाश, माँ आज से यही दुआएं, तो शहर के तमाम मनोकामनाओं जो है इसी तरह से। बिल्कुल रौनक, इस वक्त आपके पास आना चाहेंगे, बीकानेर में जहां पर आप खड़े हैं, मां के दरबार में भक्त हाजिरी तो लगा रहे लेकिन आज रविवार का दिन होने के नाते भक्तों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि रविवार का दिन है और नवरात्रि, ऐसे में हर कोई भक्त जो है वो यहाँ पहुंच रहा है और दर्शन करना चाहता है, माँ से आशीर्वाद लेना चाहता है और अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहा है। मैं आपको सबसे पहले दर्शन करवा दूं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लोगों को दर्शन करवा दूं कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, एक लंबी कतार यहाँ पर है, हाथों में पूजा का सामान लिए, नारियल लिए और कहीं ना कहीं जो मान्यता है यहाँ पर चुनरी चढ़ाने की जो परंपरा है उसको यहाँ पर निभा रहे हैं कि चुनरी चढ़ाकर मान्यताएं जो है यहाँ पर मांगी जा रही है। साथ ही साथ मंदिर के पिछली जो एरिया है वहां पर धागा बांधकर लोग जो है अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो ये पूरा सिलसिला पूरे दिन ऐसे ही जारी रहेगा। जो लोग हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए किस तरह से आज पूजा अर्चनों का दौर रहेगा? आज माता जी की पंचमी है और आज कात्यायनी माता की पूजा है और माँ नगण्य जी माता के मंदिर में हम खड़े हैं। बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ रहती है, नवरात्रा का लोग व्रत रखते हैं और भास्कर, दैनिक भास्कर की तरफ से और बहुत जगह बीकानेर कहीं ना कहीं। मैं संजय आपको बताऊं कि इसी तरह पूरा दिन जो है ऐसा बना रहेगा और लोगों का मानना है कि यहाँ पे दर्शन मात्र से जो है वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रौनक, बिल्कुल सही आपने कहा और भक्तों का यही जुनून दिखाता है कि माँ के प्रति, माँ की छठे स्वरूप के प्रति जो श्रद्धा है वो कितनी है।
अरुण आपके पास आना चाहेंगे, शायद आप मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हैं, वहां पर लोगों की भीड़ भी पीछे देखे जा रही कतार है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, मां के स्वरूप की आराधना को लेकर जो भक्त हैं उनकी तस्वीरें दिखाइए, और अगर बातचीत हो सके भक्तों से तो और अच्छा होगा। संजय मैं बताऊंगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हमारा अंदर फोर्ट में, मैं कैमरामैन शिव सिंह को कहूंगा वो बिल्कुल मंदिर का अंदर का जो निज मंदिर है उसका दर्शन कराए, और ये बोलिए अरुण, कतारें लगी हुई भक्तों की, लंबी लंबी कतारें हैं, साथ ही साथ कैसे आवाज